पासवर्ड इंटर करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इजीली ओपन हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप UBI यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक ग्राहक है तो अपने मोबाइल पर यू मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करेंगे यानी यू मोबाइल एप्लीकेशन को रजिस्टर कैसे करेंगे, इस बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यू मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर एक्टिवेट कर लिया है तो अपनी बैंक का सारे फीचर्स अपने मोबाइल पर ही कर पाएंगे। दोस्तों, यू मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिवेट कैसे करेंगे इस बारे में वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं दिखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख के आप सीख सकते हैं कि यू मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर एक्टिवेट कैसे करेंगे। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यू मोबाइल ऐप से अपने बैंक का सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कैसे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोचीमय और सोचीमय रॉय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल पर यू मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपका 4-डिजिट लॉगिन पिन इंटर करके अपने मोबाइल पर यू मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे मेरा 4-डिजिट लॉगिन पिन इंटर करके मेरा आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यू मोबाइल ऐप को लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो अपने अकाउंट का सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एम पासबुक। तो आप सिंपली ये एम पासबुक ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। एम पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल्स सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले आपका अकाउंट टाइप सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं यहाँ पे सेविंग्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद फिर से ये सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप एक से अधिक अकाउंट ऐड करके रखा है तो यहाँ पे आप उस अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कीजिए जिस अकाउंट नंबर का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ही अकाउंट नंबर ऐड करके रखा है तो मैं यहाँ पे इस अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अकाउंट डिटेल सिलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपका अकाउंट का सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपने अकाउंट में जितना बैलेंस अवेलेबल है यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद अपने अकाउंट में कब कितना पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप क्रेडिट या डेबिट दोनों का कोई एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये एडवांस सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप चेक करना चाहती है, क्रेडिट का या फिर डेबिट का। उसके बाद अगर आप कितना तारीख से कितना तारीख तक अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो वो डेट सिंपल यहाँ पे इंटर करके नीचे कितना अमाउंट से कितना अमाउंट तक अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं वो अमाउंट सिंपल यहाँ पे इंटर करके नीचे एक कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करके उस डेट का ही ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप इस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को किसी ईमेल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो आप इस सेंड टू ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करके आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ईमेल के थ्रू किसी को भेज सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप इस सारे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को अपने मोबाइल पर सेव करना चाहते हैं तो आप एक PDF डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट का सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को अपने मोबाइल पर सेव कैसे करेंगे जान लेता हूँ। तो इस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप ये PDF डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। PDF डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह एक मैसेज शो करेंगे। इस मैसेज पर बता रहा है कि इस PDF फाइल को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड इंटर करना होगा। जो पासवर्ड होगा अपने नाम का फर्स्ट फोर वर्ड और अपनी जन्म तारीख, डेट और मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम है सोचीमय रॉय और आपका डेट ऑफ बर्थ है 16/7/2001 तो आपका पासवर्ड होगा SACH1607। ओके, तो इसको डाउनलोड कंफर्म करने के लिए नीचे एक कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका PDF फाइल अपने मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलिए PDF फाइल को पहले ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपने मोबाइल पर डाउनलोड फाइल को ओपन कर लीजिए। देन उसके बाद ये PDF फाइल पर क्लिक कीजिए। PDF फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड इंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। ओके, पासवर्ड इंटर करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इजीली ओपन हो जाएंगे।
तो दोस्तों इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने यू मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से अपने बैंक का सारे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पर बैंकिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।